हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं थिवनेस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इस पर्टिकुलर थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है वो बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बोलता है कि कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सर्किट किसे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसके अंदर की रेजिस्टेंस, बैटरी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट रैंडमली ज्वाइन कर दिए जाते हैं। जैसे कि देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो, आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसके अंदर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस रैंडमली ज्वाइन कर दिए गए हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप ऐसे सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, उस बैटरी का ईएमएफ को हम वीटीएच से दिखाते हैं। वीटीएच का मतलब होता है थिवनिन वोल्टेज, और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं थिवनिन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर की एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज में होंगे। उस वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं थिवनिन वोल्टेज और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं थिवनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बस ये इसका स्टेटमेंट है। अब आप बोलोगे कि यार किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट यार, इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये तो चमत्कार है। चमत्कार कैसे किया वो देखते हैं। यानी कि हमें अब फाइंड क्या करना है, आरटीएच की वैल्यू फाइंड करनी है और वीटीएच की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ए बी के अक्रॉस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, ये आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो, आपने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसके अंदर क्या है, वीटीएच है और आरटीएच है, दोनों की वैल्यू आपको मालूम है। जैसे कि मान लेते हैं, तो आप इसके अंदर से करंट आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक सिंपल सर्किट बन चुका है। तो करते हैं स्टार्ट की किस तरीके से हम आरटीएच और वीटीएच की वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल की मदद लूंगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो करता हूँ स्टार्ट। तो पहला स्टेप ये है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट निकालना है उसको गायब कर दो, उसको हटा दो। ठीक है, हटा दिया मैंने, देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब ये हट चुका है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको थिवनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, आरटीएच की वैल्यू फाइंड करनी है। आरटीएच की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। आरटीएच की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स है हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर, ये हमारा यहां से लेके यहां तक का कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि नहीं। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का मतलब आपको पता ही होगा, एक बार रिकैप करा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये हमारे पास एक वोल्टेज है, इसको आपको शॉर्ट करना है। कैसे करते हैं शॉर्ट? उस वोल्टेज को रिप्लेस कर दो बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बैटरी को आप शॉर्ट कर रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दो बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सी बात है, एक वायर लगा दो, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते इसका रेजिस्टेंस जीरो होता तो उसको रिप्लेस करता ऐसे वायर से जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है। क्या मतलब है? कि भाई किसी भी बैटरी को रिप्लेस कर दो बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कि यार इस क्वेश्चन में देख रखा है आपको, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं थिवनिन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकूं। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आरटीएच क्या करना था, इसको आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ क्या है, जीरो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सिंपली एक वायर लगा दोगे बस। ये रेजिस्टेंस तो है ये 5 ओम और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पर करंट सोर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको तो शॉर्ट कर देना आप, और जितने भी करंट सोर्स होंगे ना उनको आप ओपन कर दोगे। ठीक है, ओपन करने का मतलब क्या है, उस सोर्स को अपने सर्किट से फेंक दो। जैसे कि ये 4 एम्पीयर का करंट सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, उसको निकाल के उखाड़ फेंको। ठीक है, ओपन करने का मतलब ये है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैंने इसे हटा दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, अब आप जो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे
एबी के अक्रॉस वही हमारा रेजिस्टेंस होता है थेविनिन रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? इतना सब कुछ काम करने के बाद, ये दोनों पॉइंट खत्म करने के बाद, जो आपके सामने सर्किट बना है उसके अंदर एबी के अक्रॉस जो आप रेजिस्टेंस निकालोगे वही हमारा थेविनिन रेजिस्टेंस होता है। समझ में आई? अब देखो एबी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में है, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, आई होप आपने ये सब चीजें लिख ली होंगी अपनी कॉपी पर। और चिंता मत कीजिए यार, एंड में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं, वो थोड़ा यूनिक वे है। आप एंड तक देखोगे मेरी वीडियो को, अब तभी आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/5 + 1/10 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू, यानी कि इन दोनों का रेजिस्टेंस है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा, तो आएगा 1/10, 5 × 10 + 1 इज 10/3 इज द रेजिस्टेंस। अगर मैं 10/3 को इससे एडिशन कर दूं, यानी कि 10/3 + 10, ये क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। मैंने प्लस 10 क्यों किया, क्योंकि ये सीरीज में है। ये तो यार बहुत सिंपल सी चीज है, आप 9th में ही पढ़ के आए होते हो, ठीक है। तो 10/3 + 10 इज 40/3 इज द आर इक्विवेलेंट, और कह सकता हूं रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। और मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वही हमारा थेविनिन रेजिस्टेंस होता है, आरटीएच, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, आरटीएच किसके बराबर आया, 40/3 के बराबर। बस इतना आसान होता है थेविनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना। थेविनिन रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, अब क्या करना होता है, सेकंड केस क्या है, हमें वीटीएच और फाइंड करना है। जैसे ही मुझे वीटीएच मालूम पड़ गया, तो ये जो सर्किट है ना, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ये हमारा वीटीएच, आरटीएच की वैल्यू मैंने निकाली ली, और ये हमारा पॉइंट ए है, और इससे हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। अगर मैंने VTH की वैल्यू निकाल दी, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट, ये इतने आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। VTH की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो जो VTH है ना, वो असल में कुछ और नहीं, VAB के बराबर होता है। समझ में आई बात? जो वोल्टेज अक्रॉस AB आप निकाल लोगे अगर, तो वही वोल्टेज होता है थेविनिन वोल्टेज के बराबर। अब आप बोलोगे कि यार वोल्टेज अक्रॉस AB कैसे निकाल दूं, ठीक है। आप बहुत सारे तरीके से वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकाल सकते हो, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ से निकाल सकते हो, नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हो, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में कवर करा चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप वीडियोस को देखिए, एटलीस्ट नोडल एनालिसिस तो देखिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस के जरिए सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत आसान मेथड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का, ठीक है। तो करता हूं स्टार्ट, मुझे क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी फाइंड कर ले रहा हूं, वही होगा हमारा थेविनिन वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूं, नोडल एनालिसिस में क्या करते थे, मान लेते हैं एक्स इसका पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक्स इसका पोटेंशियल है, तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट वाले को मैं रेफरेंस नोड मानता था, ये जीरो पोटेंशियल। रेफरेंस नोड का मतलब क्या होता है, कि भाई उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये बताओ, ये जो 4 एम्पीयर का करंट यहां से घुसा है, इस पॉइंट से घुसा, ठीक है, तो ये यहां पर करंट कितना गया होगा, ये बता दो बस मुझे, ये यहां पर कितना करंट गया होगा, ये एग्जैक्टली 4 एम्पीयर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये बताओ, मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट निकालना है, मुझे किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना था, 20 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको आप निकाल के फेंक दो, यानी कि यहां से आप अपने सर्किट को ओपन कर दियो, ठीक है। ये आपने ओपन कर दिया, तो मुझे बताओ कि अब यहां पर इनफिनाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने इसे हटा दिया, सही बात है कि नहीं, यानी कि ए बी के अक्रॉस फिलहाल तो इनफिनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने अपने इस वाले रेजिस्टेंस को निकाल के फेंक दिया है। तो जो मैं 4 एम्पीयर का करंट यहां से भेजूंगा, वो सारा का सारा करंट इधर चले जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट हमेशा वहां से फ्लो होता है जहां पर रेजिस्टेंस कम मिले उसे, ठीक है। करंट हमेशा वहां से फ्लो होता है जहां से उसे रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, कि मान लेते हैं ये एक बैटरी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये ओपन है, ठीक है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। तो जितना भी करंट यहां से बहेगा ना, वो सारा का सारा करंट यहां से बह जाएगा, जितना भी करंट यहां से निकलेगा, वो सारा का सारा करंट यहां से निकल जाएगा, नेक थोड़ा सा भी करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस इनफिनाइट प्रोवाइड हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। जब कहीं भी इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा होता है, तो उस ब्रांच में करंट जीरो होता है, उस ब्रांच में करंट जाता ही नहीं है,
एज सिंपल एज दैट। देखो अब सारा करंट जो यहां से गया वो सारा करंट यहां से जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पर केसीएल लगाना होता है। मैं क्या करता था नोडल एनालिसिस में, इसको हाईएस्ट वाला पोटेंशियल की तरह ट्रीट करता था, ठीक है। नोडल एनालिसिस में मैंने बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप हाईएस्ट पोटेंशियल की तरह ट्रीट करो, ठीक है। हम जानते हैं जिस पॉइंट का पोटेंशियल हाईएस्ट होता है सारा करंट उससे निकलता है। मान लेते हैं आई वन करंट यहां से गया, आई टू करंट यहां से गया, ठीक है। अब मुझे केसीएल लगा दो इस पॉइंट पर। केसीएल क्या होता है, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, और समेशन कौन सा, अलजेब्रिक समेशन, ठीक है। यानी कि इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट भी बोल सकता हूं, केसीएल का ये भी स्टेटमेंट है। इनपुट करंट क्या है, 4 एम्पीयर के बराबर है, ठीक है। देखो इनपुट करंट है ना, अब आउटपुट करंट क्या है, I1 plus I2। I1 क्या होगा ये बताओ, I1 क्या होगा, ये तो जीरो पोटेंशियल है। मैं आपको बता चुका हूं केवीएल के अंदर कि भाई जीरो पोटेंशियल अगर ये है तो यहां का पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा। जब कभी भी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ के पीछे प्लस का साइन लगता है, यानी कि 0 प्लस 20 यानी कि 20 वोल्ट हो गया यहां का पोटेंशियल, ठीक है। यार ये मैं अपने नोडल एनालिसिस की वीडियो के अंदर बता चुका हूं, एक्स माइनस 20 विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। ये क्या करा मैंने, आई वन निकाला भाई, आई वन किसके करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, एक्स माइनस 20, क्योंकि एक्स को मैंने क्या ट्रीट किया, हाईएस्ट पोटेंशियल, ये नोडल एनालिसिस कहता है, ठीक है। तो एक्स माइनस 20 बाई 5 इज द करंट आई वन, प्लस आई टू क्या होगा, एक्स माइनस 0 बाई 10 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करो जल्दी जल्दी, 10 ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये जाएगा 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू हो गया 80 बाई 3, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार आपने तो बोला था कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल निकालना, ये कहां का पोटेंशियल निकाल दिया आपने, ये तो मैंने ये तो निकाला, एक्स क्या है 80 बाई 3 आ गया मेरा 80 बाई 3, तो यानी कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 80 बाई 3, है ना। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना होगा तो x माइनस 0, x क्या है 80 बाई 3, 80 बाई 3 माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रांच, है ना। तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 80 बाई 3 निकल के आया, बट मुझे तो निकालना था AB के अक्रॉस, अब कैसे निकालूंगा। ये एक चीज मुझे बता दो भाईजान कि अगर मैं यहां का पोटेंशियल y मान लूं तो ये तो मैं जानता हूं जीरो पोटेंशियल है आगा, तो यहां का भी पोटेंशियल जीरो होगा, सही बात है कि नहीं। अब मुझे ये y पोटेंशियल मैंने मान लिया, ठीक है। तो यार एक बात मुझे बताओ, ये वाला करंट यहां से निकला तो ये, अच्छा जी यहां से करंट ये निकला है 4 एम्पीयर का, तो मैं एक काम के लिए इसके अंदर करंट कितना बहेगा, 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये वाला जो 10 ओम का है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। करंट की वैल्यू होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब करंट यहां से निकला है तो यानी कि इसका इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि करंट यहां से निकल रहा है, सही बात है कि नहीं। तो y माइनस एक्स लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, अगर कर दूं तो मुझे करंट मिल जाएगा इस वायर के अंदर, ठीक है। और करंट किसके बराबर है एक्चुअल में, 4 एम्पीयर के बराबर है भाई जान, 4 एम्पीयर के बराबर है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, x मैंने निकाल लिया है तो y कितना मान पड़ेगा, y माइनस 80 बाई 3 इज इक्वल टू 40। अब इसे सॉल्व कर लो यार, y कितना आ गया 80 बाई 3 प्लस 40, तो 3 बजे 12 200 बाई 3 y निकल के आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे यार y क्यों निकाला, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था AB के अक्रॉस। तो भाई गौर से देखो, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, ऑब्वियसली सी बात है यार। तो y माइनस 0 इज द पोटेंशियल, ये इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, तो व्हाट पोटेंशियल अक्रॉस AB इज नथिंग बट व्हाट y के बराबर है। तो y किसके बराबर है 200 बाई 3, तो यानी कि VTH मुझे मिल गया, VTH क्या है 200 बाई 3। अब देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान की कुछ कहने की नहीं, ये क्या है VTH क्या है 200। अब यार कुछ नहीं बचा, ये 200 बाई 3 है और ये क्या है 40 बाई 3 है, मुझे इसके क्रॉस करंट निकालना था, कैसे निकालूंगा ये बताओ। देखो पहले तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो, ये क्या है हमारे पास बैटरी, तो ये VTH, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज में है ना दोनों, तो 40 बाई 3 प्लस 20, कितना आसान है बताओ यार, कितना हंसी मजा आ गया। तो 60 प्लस 40 100 बाई 3 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मुझे करंट निकालना जो यहां से निकल रहा होगा, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V क्या है 200 बाई 3 अपॉन R क्या है
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 0 से 2 एम्पियर आ गया। जो करंट यहां से निकला वो 2 एम्पियर है, तो जो करंट यहां से निकला वही करंट तो इसके अंदर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट इस वाली ब्रांच के अंदर यानी कि 20 ओम के अक्रॉस कितना करंट बह रहा है, 2 एम्पियर। समझ में आ गई बात? तो कितना आसान होता है थेवेनिन थ्योरम लगाना, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करा था हमने, सबसे पहला काम ये किया था कि जिस वोल्टेज जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट निकालना है उसको उखाड़ के फेंक दो, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या, हमें आरटीएच निकालना होता था। आरटीएच निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे उनको तो शॉर्ट कर दिया और जितने भी करंट सोर्स थे उनको हमने ओपन कर दिया, और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया था एबी के अक्रॉस, और जो एबी के अक्रॉस रेजिस्टेंस था वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप था। ठीक है, आपने आरटीएच निकाल दिया, अब वीटीएच निकाल दो। वीटीएच कैसे निकालते थे, कुछ भी नहीं था भाई, हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर जो वोल्टेज अक्रॉस एबी होगा वही वोल्टेज होता है थेवेनिन। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एबी कैसे निकालोगे, बाय एनी मेथड, चाहे वो केवीएल लगा रहे हो आप तो केवीएल लगा दो, चाहे नोडल एनालिसिस लगा रहे हो तो नोडल एनालिसिस लगा दो। मैंने इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से किया है क्योंकि ये आसान होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। ठीक है, आप नोडल एनालिसिस पढ़ सकते हो, बहुत सही से मैंने कवर करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो वीडियो को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज़। ठीक है, तो तब तक के लिए यार अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय विद अ हाई फाई।